हे गाइस, अगर आप रेलवे ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सौर मंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियारिका। यह सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89, यानी कि 89 जो है तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा लुब्धक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो थे। तो उसका नाम हो जाएगा कोपरनिकस। इन्होंने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है 21 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको खगोलीय एकक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूरज का क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि सूरज का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71%, यानी कि सबसे ज़्यादा सूर्य में जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन, इसके बाद होती है सेकेंड नंबर पर हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है। तो ये बताया, हीलियम जो है सेकंड तत्व है पाया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 88 दिन, तो यानी कि 88 डेज में यहाँ पर पूरा ये चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूर्णन घूमने वाले उपग्रह नहीं होते। तो बुध और शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा शुक्र, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। और अगर पूछे कि सबसे दूर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को।